पीएम आवास के नाम पर अवैध धन वसूली, जांच टीम ने बनाया पात्र को अपात्र। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पोर्टल से नहीं मिला पीड़ित को न्याय। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। आपको बता दें कि किसी को अपने दो वक्त की रोटी की फिक्र है तो किसी को इसी कमरे की जमीनी हकीकत जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। जनपद बहराइच के विकासखंड तेजवापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिंगाई के मजरा इनामी जसोरा में प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पर ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा लाभार्थी से अवैध धन वसूली व पात्र लाभार्थी को अपात्र घोषित करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की शिकायत पीड़िता ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सहायक निदेशक से की है। विकासखंड तेजवापुर के ग्राम पंचायत तिंगाई के मजरा इनामी जसोरा गांव निवासी सुनीता पत्नी शिव कुमार ने पत्र लिखकर बताया कि प्रार्थनी अनुसूचित जाति की है। प्रार्थनी का घर मिट्टी का बना है जिस पर छप्पर रखा हुआ है, उसी में अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रही है। प्रार्थनी द्वारा प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पक्के आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, किंतु प्रधानमंत्री आवास प्लस रजिस्ट्रेशन सूची की जांच हेतु गठित टीम द्वारा जांच के दौरान लाभार्थी को अपात्र घोषित कर दिया गया, जिसके लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सका। इसके बाद ग्राम पंचायत सचिव राम कुमार आर्य द्वारा आवास दिलाने के नाम पर 5,000 रुपए की मांग की गई, जिसे प्रार्थनी ने दे दिया, लेकिन अभी तक पीड़िता को आवास नहीं मिला। मामले की शिकायत जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर किया तो पोर्टल पर जांच टीम द्वारा लाभार्थी को अपात्र व पक्का मकान बना होने का हवाला देते हुए शिकायत को खारिज कर दिया गया। खंड विकास अधिकारी तेजवापुर चंद्रपुत्र यादव ने बताया कि हम स्वयं लाभार्थी के घर जाएंगे, यदि लाभार्थी पात्र पाया जाता है तो उसे आवास प्लस सूची में शामिल कर आवास दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज सिंह, बहराइच, यूपी। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। किस ग्राम पंचायत के आप निवासी हैं? इनामी टिंगाई। क्या समस्या है बताइए? समस्या आवास सूची में नाम रहा है, सूची से नाम कार्ड का घर दिखा देने, कच्चा या पक्का के पात्र नहीं है। किसने नाम काटा है आपका? सिक्योरिटी राम कुमार। सिक्योरिटी राम कुमार जी, 5,000 रुपया ले लेने खर्चा की आवाज तुमका देवे, पहले नंबर में सूची में नाम देव तक नाम काट देने। आप अपने परिवार के साथ में इस घर में कितने दिनों से जीवन यापन कर रहे हो? जी 10 साल हो गया। 10 साल जी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से? अधिकारियों से कह रहे हैं कि हमारा घर पक्का मिल जाए, और बस यही कह रहे हैं, और जांच लग जाए, देखा जाए, जांच कर जाए, देखा जाए कि घर पक्का बना है कि कच्चा बना है, मौके पर देखा जाए। आपने समस्या को लेकर किसी जिम्मेदार अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र दिए हैं? जी, वीडियो का दिए, डैम का ही हम दिए हैं, लखनऊ आयोग में दिए हैं। कितने दिनों से मामला चल रहा है आपका? मामला 11 तारीख 11/6 2021 से दिए हैं।